तो स्किन स्किन सबके पास है कि विदाउट स्किन है सब लोग, है ना? ओके, तो स्किन स्किन हमारे लिए काफी जरूरी है, राइट? हम आईने में काफी बार हमारी स्किन देखते रहते हैं, चेहरा देखते रहते हैं, आज मैं कैसे दिख रही हूँ या कैसे दिख रहा हूँ, कुछ पिंपल नहीं है ना, कुछ दाग नहीं है ना, आज मेरा चेहरा मुरझाया हुआ दिख रहा है, या आज थोड़ा स्ट्रेसफुल दिख रहा है, आज चेहरा ऐसा ड्राई दिख रहा है, राइट? तो काफी सारे हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन को लेके, और ये सिर्फ फेस का नहीं, पूरा बॉडी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें अगर स्किन हमारी अच्छी रखनी है तो हमें काफी सारे प्रिकॉशंस लेने जरूरी होता है। एक तो मेन प्रिकॉशंस क्या है हमारी, एक तो नींद अच्छी या कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरी चीज हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो काफी कम होना चाहिए, और इसके लिए आपको ऑब्वियसली आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो वो स्ट्रेस लेवल अच्छा रहता है, और डाइट जैसे, ठीक है, डाइट भी काफी इम्पोर्टेंट है हमारे पार्ट में कि हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर हमारा फेस जो है ना वो बताता है कि हम क्या खा रहे हैं। और दूसरी चीज, धूप में अगर हम ज्यादा घूमते हैं फिरते हैं तो भी स्किन में टैन आ जाता है, तो हमें सनस्क्रीन यूज करना जरूरी होता है, राइट? और या फिर धूप में हम कपड़ा भी बांध के या कैप पहन के हम जा सकते हैं, जैसे काफी सारे ये है कि आप अपना स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उससे भी एक बड़ी बात होती है कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे डाइट में जो है ना वो प्रोटीन की मात्रा होनी जरूरी होती है, तो वैसे ही स्किन के लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है, राइट? तो जिनको जिनको लगता है कि मैं हमेशा मेरे स्किन पे ग्लो रहे, या मैं हमेशा यंग फील करूं, या झुर्रियां ना आए, राइट? तो हमें क्या मालूम है, स्किन को जो प्रोटीन लगता है ना वो हमें लेना जरूरी होता है। तो अभी उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी है, तो देखिए विटामिन जरूरी होता है, कोलेजन जरूरी होता है, राइट? तो ये हमें किससे मिल सकता है, अगर हम बेसिकली संतरा, नींबू और जो मौसम्बी होता है इसमें से भी हमें अच्छा विटामिन मिलते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। पपाया भी काफी स्किन के लिए अच्छा, बेसिकली जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना वो स्किन के लिए काफी अच्छे होते हैं, तो वो आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप डाइट करते हो उसमें एक एक कोई भी फ्रूट होना जरूरी होता है, राइट? ताकि हमें विटामिन भी उसमें से मिले। तो अगर ये सब आपको नहीं करना है, या हर टाइम हम कहाँ से फ्रूट्स लाए, या किसी किसी को फ्रूट्स पसंद भी नहीं आते, तो उसके लिए हमारे पास एक अमेजिंग सोल्यूशन है, और वो है हर्बललाइफ का HN स्किन बूस्टर, राइट? और ये स्किन बूस्टर जो है उसमें कोलेजन विटामिन है जो स्किन को जरूरी होता है, ओके? और ये स्किन को नरिश करता है, और अच्छा पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलता है स्किन को, और ये हाइड्रोलाइज फिश कोलेजन है उसमें, और जितने भी विटामिन जरूरी होता है वो आपको मिल जाते हैं, और रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, B2, B3, B6 एंड बायोटिन्स है, राइट? और ये इसमें आपको 5 ग्राम जो है हाइड्रोलाइज फिश कोलेजन मिल जाता है, और कोलेजन जो है हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, सपोर्ट करता है, और एक वो ऑरेंज फ्लेवर में आता है, डिलीशियस, और कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, और आप कहीं पे भी वो सैशे यूज कर सकते हो, आप आपके शेक में डाल सकते हो, आप नॉर्मल पानी में डाल सकते हो, स्किन बूस्टर और एलो कॉन्सेंट्रेट मिक्स करके आप पी सकते हो वो, राइट? और ये जो है 10 ग्राम का सैशे होता है, और 240 ml वाटर में आप ले सकते हो, और ये बड़े लोगों के लिए है स्पेशली, राइट? तो बच्चों को ना दे, और इसमें जो स्वीटनर होता है नॉन कैलोरी स्वीटनर होता है, और स्टीविया जो होते हैं ना उससे बनाया हुआ होता है, और प्रेग्नेंट लेडीज अगर हो या दूध पिलाने वाली लेडी हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करके ले सकते हैं।
जिनको जिनको भी लगता है कि उनका स्किन काफी अच्छा हो तो जरूर ऑर्डर करें स्किन बूस्टर, ताकि आपका हेल्थ जो है स्किन का हेल्थ काफी अच्छा रहे। और ये 30 सेशन होता है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। और मैं मेरा स्किन बूस्टर का रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। पहले मेरे फेस पे ना टैनिंग आती थी और मैं हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट होने के कारण मेरा स्किन हेल्दी होना बहुत जरूरी था। हालांकि मुझे मेलास्मा हुआ था और बटरफ्लाई रैशेस बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में और मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है और इसका कोई रीजन नहीं है। जैसे आपके इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है या फैमिली में आता है, तो मेरी मॉम को था, तो मॉम को कुछ साल के बाद अब चला गया अपने आप, और मुझे 27, 28, 30 के एज में आना चालू हुआ। मैंने बहुत सारे, और मैं स्किन का प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे पास लेजर वगैरह सब मशीन थे, तो मैंने सारे लेजर की ट्रीटमेंट ली थी, सारे मेडिसिन लिए थे, लेकिन उतना कुछ मुझे फायदा नहीं हुआ था हो रहा था। फिर मुझे पता था कि जब तक हम इंटरनली हील नहीं करेंगे, इंटरनल जैसे इम्यूनिटी जब तक आपकी प्रॉपर नहीं होगी तब तक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं होते। ओके, तो मैंने स्किन बूस्टर ट्राई करना चालू किया। फर्स्ट 1-2 महीने में तो मैं बेसिक फूड्स ही लेता था, उसके बाद जब मैंने स्किन बूस्टर्स और सारे हर्बल ऐप के सारे प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट किया, और उसमें मैंने स्किन बूस्टर लेना स्टार्ट किया, और स्किन बूस्टर मैं बेसिकली नाइट में लेता हूँ, तो वो मुझे काफी अच्छा बेनिफिट्स देता है, और उसकी वजह से अभी मेरे स्किन में बहुत सारा ग्लो आ रहा है। तो लोग अभी जब मैं लेजर का खुद के स्किन पे लेजर ट्रीटमेंट ले रहा था, तभी भी किसी ने पूछा नहीं था कि सर आपका स्किन अच्छा हो, क्योंकि लोग ना आपको देखते रहते, 3-4 महीने के बाद वो आपको कमेंट करना चालू हो जाते। तो अभी लोग खुद ही बोलते, अरे स्किन में इतना ग्लो कैसे आ रहा है, मतलब मेरा अभी भी स्किन में आप देखोगे तो हाथ और फेस में अभी भी फर्क है, सिर्फ चेहरे के ऊपर ही ये, लेकिन बिफोर, हाँ बिफोर बहुत सारा ये था और रैशेस दिखते थे चेहरे पे। तो पेशेंट्स को कंसल्ट करते वक्त पेशेंट भी थोड़ा, अरे मैं सर के साथ बात करूं लेकिन उनके खुद के चेहरे पे ही रैशेस है। तो अभी किसी कोई पेशेंट्स ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, और थोड़े दिन के बाद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 15-20 साल तक तो वो पिगमेंटेशन थे, तो उसको रिकवर होने के लिए टाइम लेगा। तो स्किन बूस्टर एक काफी अच्छा न्यूट्रिशन है, और उसमें जो आपके स्किन को एक्चुअल में चाहिए वो सारी चीजें उसमें न्यूट्रिशनली ऐड है, टैबलेट नहीं है। जैसे टैबलेट क्या होता है, डिपेंडेंसी होता है, लेकिन न्यूट्रिशन की डिपेंडेंसी नहीं होती, वो रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी। ओके, तो आई सजेस्ट कि हर एक को लेना चाहिए। जैसे अभी मनीष सर ने बोला कि 30 एज के बाद आपके बॉडी में बहुत सारे डीजेनरेटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए स्किन में भी डीजेनरेटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए ये आपको 30 इयर्स के बाद लेना बहुत जरूरी। थैंक यू सर।